Assalamu alaikum, this is Danish from Saudi Arabia. Welcome back to Dani Tech YouTube channel. Huawei ने join किया है Samsung के flip phone को और rival launch किया है against Z Flip 3. Yes, Huawei launched its first flip device and that is P50 Pocket, which is more costly as compared to Z Flip 3, but it got a pretty solid specs as compared to Z Flip 3. डिवाइस को तीन डिफरेंट और ब्यूटीफुल कलर में जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका एक व्हाइट कलर है जो कि बैक साइड से डायमंड पैटर्न के साथ मिलता है. काफी खूबसूरत ये डिजाइन दिया गया है डायमंड का. इसके अलावा एक ब्लैक कलर दिया गया है और आपको एक गोल्ड कलर मिलता है प्रीमियम एडिशन का. सो तीन डिफरेंट और ब्यूटीफुल कलर हमें इस डिवाइस में दिए गए हैं. 190 ग्राम की ये कमाल की डिवाइस है जो कि कैपेबल है फॉर डुअल सिम. ये डिवाइस काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है क्योंकि इसके डिस्प्ले में हमें फोल्डेबल ऑलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ है. और ये डिस्प्ले कैपेबल है फॉर 1B कलर्स. इस डिस्प्ले का साइज जो है वो मिलता है हमें 6.9 इंचेस का. मतलब आई रिमेम्बर के Z Flip 3 में हमें जो डिस्प्ले दिया गया था वो था 6.7 इंचेस का, तो यहाँ पर हमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिला है एज कम्पेयर टू Z Flip 3. स्क्रीन की रेजोल्यूशन में भी जो है वो हवावी पीछे नहीं हटा क्योंकि Z Flip 3 में हमें 1080x2640 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर हवावी ने पूरा पूरा बीट किया है और 1188x2790 पिक्सल की रेजोल्यूशन हमें P50 पॉकेट में देखने को मिली है. तो मतलब पूरा पूरा हवावी ने सैमसंग को दिया है डिस्प्ले की रेजोल्यूशन के मामले में. Anyhow, अभी बहुत कुछ जाना बाकी है, सो बढ़ते हुए आगे कवर डिस्प्ले पर भी नजर डाल लें जो कि हवावी ने बनाया है बहुत ही खूबसूरत बैक साइड पर. और कवर डिस्प्ले हमें एक सर्कल हाउस में जो है वो मिलता है, एक हवावी ने सर्कल हाउस की तरह उसको बनाया है बैक साइड पर, जो कि है 1.04 इंचेस का, जिसकी रेजोल्यूशन 340x340 पिक्सल है जो कि है 328 PPI के साथ. जहां हमें कवर डिस्प्ले दिया गया है वहीं पर हमें एक और सर्कल मिलता है जो कि है 3 लेंस के साथ. और यस, ये हवावी ने हमें कमाल के लेंस दिए हैं, काफी इंप्रूवमेंट के साथ दिए हैं. इसमें काफी फीचर्स जो है वो मौजूद हैं एज कम्पेयर टू Z Flip 3. और ये कैमरा लेंस हमें बिल्कुल डिस्प्ले के साथ मिलता है बैक पर. तीन जबरदस्त लेंस आपको बैक पर दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा आपको वाइड लेंस का दिया गया है जो कि है 40 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको PDAF लेजर ऑटो फोकस और 1.8 अपर्चर दिया गया है. इसके अलावा आपको दूसरा लेंस मिलता है अल्ट्रा वाइड जो कि है 13 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको 2.2 अपर्चर दिया गया है और 120 डिग्री तक आपको इसमें फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड किया गया है. कम ऑन गाइस. और लास्ट में आपको 32 मेगापिक्सल का सुपर स्पेक्ट्रम लेंस दिया गया है. स्पेक्ट्रम अल्ट्रा लेंस बेसिकली आप कुछ अमेजिंग मोड जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें से कुछ मैं बताता चलो तो फ्लोरेसेंट फोटोग्राफी मोड हो गया, सनस्क्रीन मोड हो गया. सनस्क्रीन बेसिकली आपको जो है वो आपकी स्किन से रिलेटेड बताता रहता है कि आपकी स्किन जो है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है. बैक कैमरे से आप 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps के साथ और 1080 पिक्सल का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें आप 30, 120 और 240 पिक्सल तक रिकॉर्ड कर सकते हैं. फ्रंट यानी कि सेल्फी कैमरा हमें P50 पॉकेट में जो है वो बेटर दिया गया है एज कम्पेयर टू Z Flip 3. यस, 10.7 मेगापिक्सल का ये अल्ट्रा वाइड लेंस हमें दिया गया है P50 पॉकेट में. और ये कमाल का लेंस जो है वो कैपेबल है फॉर 2.2 अपर्चर के लिए, जिसमें आपको पैनोरामा HDR जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे. इस कैमरे की खास बात यह है कि इससे आप 4K और 1080 पिक्सल दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps के साथ. कूल. एक और बड़ा मजेदार सीन है इस डिवाइस में वो ये कि आप एक्सटर्नल डिस्प्ले को यूज करके अपनी सेल्फी जो है वो ले सकते हैं, यानी कि आप कवर डिस्प्ले को यूज करके अपनी सेल्फी जो है वो ले सकते हैं. क्यों फिर P50 पॉकेट में डाला तो लाइक जिंगा लाला. इसके अलावा एक और मजेदार सीन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है हार्मनी 2.0, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें लेटेस्ट दिया गया है हार्मनी 2.0 का. और आपको इसमें लेटेस्ट, ये एक और मजेदार सीन है भाई, लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 की चिप आपको इसमें दी गई है. मतलब गेमर्स के लिए फुल टाइम सीन ऑन है भाई, हैवी सीन आप लोगों के लिए. दो वेरिएंट हमें मिलते हैं मेमोरी में, जिसमें आपको 256GB 8GB रैम के साथ मिलती है और 512GB आपको 12GB रैम के साथ मिलती है. और काफी अदर अमेजिंग फीचर्स हमें इसमें जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया जो कि साइड पर आपको एक बटन के थ्रू दिया गया है, फेस अनलॉक आपको इसमें दिया गया है, काफी सेंसर है जिसमें आप गायरोस्कोप है, कैंपस है, ऑटो फोकस लेजर है, प्रॉक्सिमिटी है, हॉल सेंसर है, बहुत सारे सेंसर आपको इसमें दिए गए हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैटरी वो पूरा कंपैरिजन आपको करके दूंगा, क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर यूजर जो है वो मैक्सिमम चीज चाहता है और बेस्ट चाहता है, लेकिन हवावी ने यहाँ पर Z Flip 3 को जो है वो पूरा पूरा बीट किया है. मैं आपको पूरा कंपैरिजन दूंगा Z Flip 3 का और P50 पॉकेट का बैटरी से रिलेटेड. 4000mAh की बैटरी हमें P50 पॉकेट में दी गई है और हमें 40W का चार्जर इसमें दिया गया है और रिवर्स चार्जिंग आपको 5W की दी गई है. वायरलेस चार्जिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, बट जो है वो है कमाल का. Z Flip 3 में हमें 3300mAh की बैटरी दी गई है और 15W का हमें चार्जर दिया गया है. और सो कहां 40 कहां 15,
इट्स अ बिग डिफरेंस। इसके बाद 10 वॉट का हमें वायरलेस चार्जर दिया गया है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग हमें 4.5 वॉट की दी गई है। सो कंपैरिजन अगर करें तो मेरे ख्याल से हमें ज्यादातर जो है वो चार्जर की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। सो वो 40 वॉट का हमें हवावी P50 पॉकेट में दिया गया है। काफी बड़ा डिफरेंस है चार्जिंग में P50 पॉकेट का एज कम्पेयर टू Z Flip 3। अच्छा, बैटरी की बात हुई है तो मुझे याद आया कि इस P50 में हमें तीन जो है वो मॉडल देखने को मिलते हैं डिफरेंट नेम के साथ, जैसे कि P50 पॉकेट है एक, और एक सिंपल P50 है, और एक P50 प्रो है। बैटरी हमें तीनों में जो है वो डिफरेंट दी गई है, लेकिन मैक्सिमम बैटरी हमें P50 प्रो में दी गई है 4360 mAh की। सो ओवरऑल जो है P50 की जो सीरीज है इसमें हमें बैटरी जो है वो अमेजिंग दी गई है। प्राइस भी काफी हाई है एज कम्पेयर टू Z Flip 3, लेकिन दाम है तो काम है। ये है आपके लिए P50 पॉकेट और आप मुझे इसमें अपनी राय दें। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा हवावी ने इस डिवाइस में काफी अमेजिंग फीचर डाले आपके लिए, काफी अमेजिंग डिवाइस बनाया है इसको, चाहे वो डिजाइन को लेकर हो। आप फोल्ड करते हैं तो आपको कहीं भी ये डिवाइस के तो कोई गैप नजर नहीं आएगा। ये मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूं, कोई भी आपको हल्का सा भी गैप नजर नहीं आएगा जब आप फोल्ड करेंगे। काफी फिट डिवाइस ये बनाई है, फीचर्स काफी कमाल के हैं, स्पेक्स एकदम कमाल के हैं। स्पेशली कवर डिस्प्ले को जो है वो काफी कमाल का जो है डिजाइन दिया है एक सर्कल में, फिर आप उसमें नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं कॉल्स को, टेक क्विक सेल्फी जो है वो आप ले सकते हैं, वॉकिंग नेविगेशन उसमें अवेलेबल है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर अपडेट है, मैसेज, कितने कमाल के फीचर इस कवर डिस्प्ले में आपको दिए गए हैं, मैं सबका जिक्र भी नहीं कर रहा। काफी ज्यादा इसमें फीचर्स अवेलेबल है हमारे लिए, तो बेस्ट फ्लिप या फोल्ड डिवाइस है ये। आप अपनी राय हमें दें इस डिवाइस को लेकर, इस को लेकर कमेंट सेक्शन में, और आप हमें कुछ मजीद कहना चाहते हैं तो हमें कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, जब तक मैं आपको आपके लिए अगली वीडियो में ख्याल रखने का नहीं बोलूंगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।